बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए 4 से 5 मिनट तक रेसिपी बना कर लेकर आए, और बहुत ही सिंपली तरीके से। आप आगे वीडियो देखे तो मुकम्मल वीडियो देखे, ताकि आपको उस मुकम्मल वीडियो का समझ आ जाए। ब्रेड और अंडा हम किस तरह बनाएं ब्रेकफास्ट के लिए, आप भी नाश्ते के लिए इसी तरह सिंपली चीज़ बना सकता है, और बहुत ही बेस्ट चीज़ आप बना सकता है। तो आगे वीडियो देख के लास्ट में दोबारा फिर मिलते हैं। अल्लाह रहमान रहीम। पहला ब्रेड को इसी तरह काटना है। देखिए, ब्रेड को मैंने पहले भी इसी तरह काटा और छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं इसके। ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, आराम से इसी तरह कट गए। तो हम और भी काटते हैं तो आपके साथ दोबारा हाजिर होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड तो पूरा कट गए, और अभी जो अंडे हमारे पास वो इसमें तोड़ देंगे तो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, 2 अंडे हमारे पास। ये 2 अंडे और साथ में जो है 1/4 हम लाल कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और ज़ीरा 1/4 डालेंगे, साबुत ज़ीरा डालेंगे, और कुटी हुई 1/4 धनिया डालेगा सूखा। तो ये देखिए, इसमें अच्छे से मिक्स करना है इसके साथ। 1/4 इसमें नमक डाल देंगे, तो मुकम्मल जो है मसाले और नमक हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। ये देखिए, तो आपको भी इसी तरह मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल देंगे, इसी तरह ऑयल डालना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून तक हमने ऑयल डाल दिया है, और इसी तरह इसको पूरा ऑयल बिछाना है। और साथ में जो है तो अंडा हमने मिक्स किया था तो वो डाल देंगे। ये देखिए, अंडा हमने डाल दिया और इसके ऊपर ये लगा देंगे। ये देखिए, ब्रेड है हमारे पास, तो ब्रेड इसमें ऊपर लगा देंगे। माशाल्लाह, इसका बहुत ही टेस्ट होता है। आप भी इसी तरह बनाएं। मुकम्मल ब्रेड को इसी तरह लगाना है इस पर। ये देखिए, जिस तरह हम लगा रहा है तो ये देखिए, इस तरह मुकम्मल लगाइए। और दोबारा जब इसको कल्टी करेंगे तो बहुत ही बेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुकम्मल रेसिपी हमारा बिल्कुल तैयार। तो इसको हल्का सा भी कल्टी करेंगे और हल्का सा टाइम देंगे दूसरे साइड को, और ये बहुत ही बेस्ट आएगा। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर किया करें। तो फाइनल लुक आपके साथ शेयर करवाते हैं। इसको अभी कल्टी कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कल्टी करने का तरीका आराम से करना पड़ेगा आपको। ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल आराम से हमने कर दिया है। और इसके ऊपर अभी हमको नीचे ऑयल डालना है तकरीबन 2 टेबल स्पून तक, और इसी तरह इसको घुमाना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल लुक ये देखिए, सुभान अल्लाह, हमारा रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा रेसिपी बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो आप भी इसी तरह बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो हमारे नए फ्रेंड्स हमारे वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, अपने साए में रखे। इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे दोबारा एक नए वीडियो के साथ। आपके रिज़क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वकार को अल्लाह हाफिज़।